एपिसोड की शुरुआत में हमें योर और वो असाशिन आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ आन्या बोलती है कि फायरवर्क बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, तो लॉयड बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, लेकिन सॉरी हम योर को नहीं ढूंढ पाए क्योंकि ये शिप काफी बड़ी है ना। आन्या शोक में हो जाती है और सोचती है क्या मैं तो मदर के बारे में पूरी तरह से भूली गई थी, मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। वहीं लॉयड भी साइड में खड़े हुए लोगों को देखता है और सोचता है कि सिक्योरिटी सर्विस के लोग तो काफी जल्दी में लग रहे हैं, आखिर क्या हुआ। उनकी बातें सुनने के बाद लॉयड को पता चलता है कि यहाँ पर बॉम्ब रखा हुआ है। आन्या भी लॉयड की ये सारी बातें सुन रही होती है। अब लॉयड सोचता है कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने चाहिए, नहीं सिक्योरिटी सर्विस के लोग ये संभाल लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे कुछ तो ट्राई करना होगा। लॉयड आगे सोचता है लेकिन मैं आन्या को अकेला नहीं छोड़ सकता, अब मैं क्या करूँ। तभी आन्या बोलती है कि मुझे और ज्यादा खेलना है। लॉयड बोलता है क्या इस टाइम। आन्या बोलती है कि मैं इस कमरे में जाकर खेलूंगी, आप अपने कमरे में चले जाओ। तो लॉयड देखता है कि एक डे केयर सेंटर। लॉयड बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें लेने बाद में आ जाऊंगा, तो आन्या बोलती है कि ठीक है। अब लॉयड एक लेडी को बोलता है कि इसका नाम आन्या है, तो आन्या बोलती है कि मुझे बॉल के साथ खेलना है। लॉयड वहां से निकलकर सोचता है कि अब मेरे पास मौका है। वहीं वो लेडी बोलती है कि आन्या आज हम क्या खेलेंगे। आन्या बॉल के साथ खेलते हुए बोलती है कि मैं बॉल के साथ खेलूंगी लेकिन मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ। तभी वो बोलती है कि मैं बोर हो गई। लेडी बोलती है कि ओह तो तुम बोर हो गई, तो आन्या बोलती है कि मुझे ड्रॉइंग करनी है। लेडी बोलती है कि अच्छा रुको मैं अभी आती हूँ। लेडी ड्रॉइंग बुक लेकर बोलती है कि आज हम क्या ड्रॉ करेंगे। तभी वो देखती है कि आन्या वहां पर नहीं है। वो बोलती है कि अरे आन्या तुम कहाँ चली गई। दूसरी तरफ कुछ लोग हमें बॉम्ब को डिफ्यूज करते हुए दिखाए जाते हैं। एक आदमी बोलता है कि यह कैसा है, क्या तुम डिफ्यूज कर पाओगे, तो दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे फोकस करने दो। तभी वहां पर एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहां पर बॉम्ब है, मैं पहले मैरिन बटालियन में था इसलिए मुझे एक्सप्लोसिव को डिस्पोज करना आता है। अब वो बॉम्ब को देखकर सोचता है कि अच्छा तो इस बॉम्ब के ऊपर ट्रैप लगाया हुआ है, इस बॉम्ब का मॉडल है BCP-62, इस तरह के बॉम्ब तो वेस्ट के एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं। हमें पता चलता है कि वो लॉयड है और वो सोचता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये ईस्ट के VIP में से किसी ने किया है और सारा ब्लेम ये वेस्ट पर डालना चाहते हैं। साइड वाला आदमी बोलता है कि हे क्या हुआ, क्या तुम इसे डिस्पोज कर सकते हो, तो लॉयड बोलता है कि हाँ नो प्रॉब्लम। दूसरी तरफ आन्या भागते हुए सोचती है कि मैं बॉम्ब को फादर के हवाले कर दूंगी लेकिन मदर कहाँ है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। तभी आन्या को किसी की आवाज सुनाई देती है कि उस औरत ने सभी फेमस असासिन को मार दिया, कितनी खतरनाक औरत है। आन्या सोचती है कि तो किसी बुरे आदमी की आवाज है। दूसरी तरफ इन्फॉर्मेंट बोलता है कि लगता है यही साइड टाइम है, मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, हाइना के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। आन्या सोचती है कि आवाज तो शिप की बॉस से आ रही है। वहीं वो आदमी बोलता है कि जल्दी ही ये शिप डूबने वाली है और इन लोगों को पता नहीं कि मौत इनके नजदीक कब आने वाली है। अब आन्या को आवाज नहीं आती, वो बोलती है कि अरे उस बुरे आदमी की आवाज नहीं आ रही, खैर मुझे मदर को ढूंढना होगा, ऐसा बोलकर वो भागने लगती है। आन्या बाहर आकर योर के टूल को देखती है और सोचती है कि तो मदर की चीज है। आन्या उसे निकालने लगती है, बोलती है कि मुझे और जोर लगाना होगा। दूसरी तरफ असासिन योर के सभी हमलों को रोक रहा होता है। योर सोचती है कि ये मेरी रीच से काफी बाहर है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। दूसरा असासिन योर पर गोलियां चलाता है लेकिन योर बच जाती है। तभी आन्या ऊपर देखकर बोलती है कि मदर तो ऊपर है, वो बिना वेपन के स्ट्रगल कर रही है। आन्या इधर उधर देखकर बोलती है कि ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे मदर को बचाना होगा। और अब वो राइजिंग होप बोलकर उस टूल को ऊपर फेंकने की कोशिश करती है। आन्या का टूल ऊपर पहुंच जाता है और आन्या पूरी होप के साथ उसे देख रही होती है। अभी दो असासिन आपस में बात करते हैं कि हे आवाज मत करो, तो दूसरा बोलता है कि ये मैंने नहीं किया। पहला असासिन बोलता है कि अगर उस मॉन्स्टर को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा, हमें चुपचाप जाकर उन्हें खत्म करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। वही ऑलकर उसका हस्बैंड अभी भी हमें बॉक्स के अंदर छुपे हुए दिखाए जाते हैं। अब पिछले असासिन का उस योर के टूल के ऊपर पांव फिसलता है, वो बेहोश हो जाता है। वही उसके हाथों से गोली चलती है और आगे वाला असासिन भी ढेर हो जाता है और वह टूल भी आगे वाले असासिन के पीछे जाकर लग जाता है। ये देखकर आन्या बोलती है कि जैसा मैंने प्लान किया था। योर लड़ते हुए सोचती है कि गोलियों की आवाज कैसी थी। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि अरे ये तो मेरा टूल है। योर उस असासिन से बचते हुए अपने टूल के नजदीक आती है और उसे पकड़कर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। असासिन भी तैयार होकर बोलता है कि अच्छा तो आ जाओ, अगली स्ट्राइक में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। योर गुस्से में लाइट स्पीड पर उस असासिन पर हमला करने लगती है। तभी साइड से एक असासिन गन निकाल कर बोलता है कि तो एडिट की तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन साइड से चीफ उसे गोली मार के अधमरा कर देता है। वहीं पर वो असासिन और यार एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और उसकी तलवार को अपने टूल से साइड कर देती है और दोनों एक दूसरे से टकरा कर आर पार हो जाते हैं। अब वो असासिन नीचे गिर जाता है। वहीं आन्या सोचती है कि मदर की बैटल कैसी जा रही होगी। तभी उसे योर की आवाज आती है कि फाइनली ये खत्म हो गया, लेकिन मैं काफी थक चुकी हूँ। और अब आन्या भी काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि आन्या की वजह से मदर जीती है, थैंक्स टू आन्या। योर बोलती है कि मुझे जाकर ओल्का को बाहर निकालना होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें लॉयड दिखाया जाता है जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। सब लोग काफी खुश होते हैं लेकिन लॉयड सोचता है कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बॉम्ब से ज्यादा नर्वस तो इन लोगों से हूँ। दूसरी तरफ इन्फॉर्मेंट शिप को बोलता है कि गुड बाय प्रिंसेस, मुझे तुम्हारी डूबती हुई आवाज सुननी है। दूसरी तरफ योर अपना वेपन उठाकर सोचती है कि ये वेपन यहाँ पर कैसे आया, ये तो नीचे गिरा हुआ था, क्या नीचे कोई योर है। तभी आन्या बोलती है कि भागना पड़ेगा और वो भाग जाती है। वहीं योर सोचती है कि शायद ये हवा के उड़कर यहाँ पर आया होगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी सर्विस के लोग बोलते हैं क्या यहाँ पर और बॉम्ब है, ये तुम बोल रहे हो। तो वो आदमी बोलते हैं कि हाँ अगर वो शिप को डुबाना चाहते हैं तो उनका काम एक बॉम्ब से नहीं चलेगा। एक आदमी बोलता है कि फिर तो हमें
पैसेंजर को बाहर निकालना पड़ेगा और यहाँ पर इतने सारे VIP लोग हैं और हमें नहीं पता कि बॉम्ब भी कितने हैं। अब उनका लीडर बोलता है कि तुम्हें पता है कि अगर हम अनाउंस करेंगे तो क्या होगा, इसलिए तुम सब जाकर शिप के इंटीरियर को चेक करो और हर एक क्रू को भी चेक करना और याद रखना कि VIP को पता ना चले कि तुम क्या कर रहे हो। अब हमें घड़ी दिखाई जाती है। दूसरी तरफ आन्या भागते हुए सोचती है कि मुझे ले केयर वाली लेडी के पास जाना होगा वरना वो गुस्सा करेंगी। तभी वह असिस्टेंट करा जाती है जो सोच रहा होता है कि मुझे अब जल्दी से जल्दी इस गोली को निकालना होगा और अपने साथियों के साथ मिलना होगा। आन्या ये सुनकर बोलती है कि बुरा आदमी और वो भाग जाती है। असिस्टेंट बोलता है कि कितनी अजीब बच्ची है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि ये स्मेल ये तो घड़ी से आ रही है, इसके अंदर बॉम्ब है, जरूर ये उस इन्फॉर्मेंट ने किया होगा। आन्या ये सुनकर सोचती है कि यहाँ तो एक से ज्यादा बॉम्ब है जिसे फादर ढूंढ रहे हैं। वहीं वो इन्फॉर्मेंट हमें भागता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ आन्या सोचती है कि ये तो बहुत बुरा है, मुझे नहीं पता कि फादर कहाँ पर है। वहीं सिक्योरिटी सर्विस का मेंबर सोचता है कि किसने सोचा होगा कि यहाँ पर बॉम्ब है, मुझे लोअर डेक से चेकिंग करना शुरू करना होगा। तभी आन्या उन्हें बोलती है कि एक्सक्यूज मी, वो बोलता है कि क्या हुआ मिस। आन्या बोलती है कि एक आदमी उस घड़ी के ऊपर थूक रहा था इससे पहले कि और गंदा हो जाए, इसे ठीक करो। आदमी बोलता है कि सॉरी मिस, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। तभी आन्या उसे गुस्से में देखने लगती है। अब वो आदमी सोचता है कि एक मिनट, इसने कहा कि कोई अजीब सा आदमी कुछ कर रहा था, इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ चांस है। अब वो आन्या को बोलता है कि ठीक है मैं अभी चेक करके आता हूँ। वही आन्या ये सुनकर खुश हो जाती है। वहीं वो इन्फॉर्मेट एक अलग छोटी बोट में जाकर लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी उसे योर की आवाज आती है और वो सोचता है कि लगता है इसने सभी को खत्म कर दिया। तभी ऊपर से असासिन उसकी बोट पर आ जाता है और वो बोलता है कि हे अकेले अकेले किधर जा रहे हो। इन्फॉर्मेट बोलता है कि ओह तो तुम जिंदा हो। असासिन बोलता है कि यह सब बॉम्ब तुमने लगाया है ना, क्या तुम हम सबको उड़ाना चाहते हो। इन्फॉर्मेट बोलता है कि ज्यादा गुस्सा मत करो, यही तो मौका है कि हम गार्डन और टारगेट दोनों को खत्म कर सकते हैं। असासिन बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे क्लाइंट भी ऊपर है, कि हमारी जान तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि मैंने ऐसी सेटिंग की है कि लोगों को लगेगा कि ये सब वेस्ट ने किया है और उसके बाद वॉर शुरू हो जाएगी और हमारे वेपन्स बहुत बुरी तरह से बिकने लगेंगे। असासिन बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे अपने ग्रुप से मिलना है, इस बोट को स्टार्ट करो। इन्फॉर्मेंट गन निकाल कर बोलता है कि है किसने कहा कि तुम इसमें आ रहे हो, इसमें सिर्फ एक ही आदमी का पानी और खाना है। असासिन बोलता है कि अच्छा तब तो ये मेरा है, और अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है और एक आदमी उसे बॉम्ब की लोकेशन बता रहा होता है। इसी तरह लॉयड बहुत सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि सामने वाली घड़ी पर भी एक बॉम्ब है। घड़ी को देखकर लॉयड सोचता है कितने सारे क्राउड के बीच में ये बॉम्ब, लेकिन उसका मकसद तो सिर्फ बोट को डुबाना था ना। तभी लॉयड देखता है कि बॉम्ब तो फटने वाला है। अब वो घड़ी को तोड़कर ही भागने लगता है तो उसका साथी बोलता है कि हे ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ही एंटिक है। वहीं पानी में वो दोनों बैठ कर लड़ रहे होते हैं। इन्फॉर्मेंट बोलता है कि जल्दी यहाँ पर दूसरा फायरवर्क शुरू होने वाला है। वहीं पर लॉयड वो घड़ी लेकर बाहर की तरफ भाग रहा होता है और उसके बाद वो उसे पानी में फेंक देता है। तभी वो घड़ी उन दोनों के ऊपर जाकर फटती है। ये देखकर लॉयड के पीछे वाला आदमी हैरान रह जाता है। वहीं लॉयड बोलते हैं कि हे तुम कुछ बोल रहे थे। वहीं लोग सोचते हैं कि ये फायरवर्क फिर से। आन्या ये देखकर खुश होती है, सोचती है कि उन्होंने कर दिया, फाइनली आन्या ने सबको बचा दिया, थैंक्स टू आन्या। पीछे से लेडी बोलती है कि फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया, वहां से तुम भागे क्यों। आन्या हैरान रह जाती है, बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना था। वो लेडी बोलती है कि अच्छा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। आन्या बोलती है कि रुको अभी बॉम्ब बचा हुआ है। तो लेडी बोलती है कि अभी भी तुम्हें बाहर जाना है, चलो मेरे साथ चलो। वहीं पर लॉयड बोलते हैं कि हर एक जगह को चेक करो, हो सकता है कि टेररिस्ट अभी भी यहीं पर छुपे हुए हों। वहीं पानी में हमें वो दोनों डूबते हुए दिखाया जाते हैं। दूसरी तरफ योर धमाका सुनकर बोलती है कि ये क्या था। चीफ बोलता है कि अभी तक अपने गार्ड डाउन मत करना, ये काफी जल्दी है, लेकिन हमें इस बोट को ड्रॉप करना होगा। अब चीफ उन दोनों को बोलता है कि जब तक वो दूसरी शिप नहीं आती अपने आप को इस कपड़े के साथ ढके रहना। योर ओल्का को बोलती है कि दूसरी जगह सेफ रहना। ओल्का उसे गले लगाकर थैंक यू बोलती है। योर बोलती है कि तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन ओल्का बोलती है कि ये बच्चा भी तुम्हें गले लगाना चाहता है। अब ओल्का उसे बच्चा पकड़ा देती है। योर उसे पकड़कर बोलती है कि ये कितना वार्म है। अब ओल्का सोचती है कि शायद तुम्हारी इसी कोई इच्छा ना हो, ना ही तुम्हारे इसके साथ कुछ लेना देना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली शांति के साथ रहे। अब वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। चीफ देखकर बोलता है कि लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब बस हमें इंतजार करना है कि दूसरी शिप आकर उन्हें ले जाए। अब योर को देखकर चीफ बोलते है कि इतनी सेंटिमेंटल मत बनो, भूलो मत कि हम लोग सिर्फ एक सोल्जर हैं। योर बोलती है कि सॉरी। तो चीफ बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें मैसेज देना भूल गया, फोर्जर का मैसेज आया था कि वो आइलैंड पर तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं। योर बोलती है क्या। तो चीफ बोलता है कि यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस वहाँ पर जाओ, ऐसा समझो ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है, और हाँ अब छाती में लगी हुई अपनी चोट को छुपाना मत भूलना। योर बोलती है कि हाँ मैं स्विम सूट ही नहीं पहनूंगी। वहीं लॉयड सोचता है कि अब मैं शांति से रह सकता हूँ और बाकी सब सिक्योरिटी सर्विस पर छोड़ सकता हूँ। तभी वो बोलते हैं कि अरे मुझे काफी देर हो गई। अब लॉयड देखता है कि आन्या सो गई है। तो लेडी बोलती है कि लगता है ये आपका इंतजार करते करते थक गई थी। लॉयड उन्हें आई एम सॉरी बोलता है। अब आन्या को ले जाते हुए सोचता है कि मुझे पता ही एक इमरजेंसी है, लेकिन फिर से मैंने अपनी फैमिली को अकेला छोड़ दिया। अभी लॉयड सोचता है क्या ट्वाइलाइट तुमने अभी क्या कहा, ये फैमिली सिर्फ हमारे मिशन का पार्ट है और ये वैकेशन का मिशन है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। आन्या अपने बेड पर सोई होती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है, जिसे कि लॉयड पकड़ लेता है और अब आन्या की नींद खुल जाती है। आन्या बाहर का नजारा देखकर काफी खुश होती है और लॉयड के सामने उछल कर नाचने लगती है। दूसरी तरफ योर भी हमें तैयार होते हुए दिखाई जाती है। अब आन्या लॉयड और योर हमें तीनों ही शिप के बाहर दिखाए जाते हैं और
वहीं शिप हमें आइलैंड की तरफ जाते हुए दिखाई जाती है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।